संस्कृति ज्वेलर्स तीन बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी पता है यूसुफ अली मार्केट तीन बत्ती सागर। एमपी के सागर जिले में बिजली बिल की कुर्की करने पहुंचे विद्युत कर्मियों के द्वारा महिला से अमर्यादित और अशालीन व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया तो दो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। वहीं इस वीडियो को लेकर देवरी थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। बता दें कि शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारी नोटिस देने के बाद देवरी के कौशल किशोर वार्ड में कुर्की करने पहुंचे थे और एक महिला के घर से पलंग सहित अन्य सामान उठाकर ले जा रहे थे। महिला को जब इस चीज की भनक लगी तो वह नहाते समय पेटीकोट पहने और साड़ी को हाथ में लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते नजर आ रही। वीडियो वायरल होने के बाद विद्युत कर्मियों की जमकर किरकिरी हो रही थी और सवाल भी उठाए जा रहे थे कि एक तरफ किसान ओलों की मार से परेशान है और दूसरी तरफ इस तरह की वसूली की जा रही है। महिला का कहना था कि उसका मीटर बहुरेखा अहरवार के नाम पर है और जो अलग रहते हैं। बिजली कर्मियों को ये बात बताई भी थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और दूर तक सामान ले गए। आखिर में महिला को इस हालत में भागते देख बिजली कर्मचारी सामान को छोड़कर वहां से चले गए थे। रेखा अहरवार का बिल 19,000 से अधिक था जिसके लिए नोटिस जारी किए गए थे। आधे कपड़ों में बिजली कर्मचारी के पीछे भागते वीडियो सामने आने के बाद महिला की बहू का कहना था कि उनकी सास कभी बिना घूंघट के नहीं निकलती लेकिन आज इन कर्मचारियों की वजह से गांव की गलियों में इस तरह से उन्हें जाना पड़ा। नहा रहे इनकी सासु मामा तो वे आए तो पलंग ले गए थे और कहा कि यहाँ है सुपर सेट निकाल लाओ तू तो साया पे अकेले ले साया पे गई थी छोड़ा भी मेरी सासु माँ तो उनने वे भी पलंग भी नहीं दे रहे थे। हमारा कोई घर नहीं थे देखा के नाम से बिल है तो हमारों के घरों में पड़े रहा हमारे हार गए थे हमारे भी नहीं थे घर। हमारी सासु माँ कब बिना घूंघट से बाहर नहीं निकला थी यहाँ भली माँ को वहाँ का छूबी है पर्दे डाले रहे थे मूल पे हमारे घर ऐसे नहीं जाते आए। अच्छा तो वो अंदर घुस गए बिना जूते मूते पहने अंदर घुस गए सब सामान निकाल लाए और सब कुछ उकल लाए और उनने तो पलंग भी धर लाओ तो बाहर निकाल के घर को मिया तो हम आए थे उतरे से ले आए थे मोहल्ला में दूसरे मोहल्ला से ले आए थे निकाल के। वहीं जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ है उनका कहना है कि इस तरह से आज तक वह गांव में नहीं निकली लेकिन सामान बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों की वजह से केवल पेटी कोट में उसे निकलना पड़ा। पलंग मलंग ले गए बिल भर भी बिल भी आए तो बिल नहीं दाव सुबह तो कुर्की करने लगेगी रेखा के नाम पे है हमारे नाम पे है नहीं। अच्छा तो क्या कर ले गए पलंग मलंग उठा गया पिला बिला उठा लगे सीधे चढ़े पे नहीं अंदर पड़ा रहा हमने केवल आदमी साकार भी खोल लाई केवल खोल के भीतर पड़ा रहा। अच्छा तो बिल किसके नाम पे है रेखा के नाम पे। अच्छा तो आप आपका सामान ले तो आपने बताया नहीं कि बिल मेरे नाम पे नहीं है बताए थे हम देखे रेखा के नाम पे है। हाँ तो क्या कह रहे तुम भरो कल नहीं जाते भी नहीं तुम भरो हम नहीं हम काय को भरे आओ हम साड़ यही पे भगा तेरा बिल कर। हाँ पकड़ हम ऐसे हाथ में भी सुनाई ना रहा बिजली बारे हम भरते ही जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई। आउटसोर्स के विद्युत कर्मी अकुशल कार्मिक विवेक रजक और अर्धकुशल कर्मी मनोज कुमार चड़ार को तत्काल सेवा से पृथक किया गया। साथ ही विवेक रजक के खिलाफ थाना देवरी में FIR भी दर्ज की गई है। आरोपी विवेक रजक को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। साथ ही दो लाइन परिचारक और देवरी में शिव कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जाँच भी की जाएगी। मंडल के द्वारा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से आज देवरी में हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक वृद्ध गरीब महिला के साथ कृत्य किया जा रहा है कुर्की के नाम पर वसूली के नाम पर जिस तरह से अर्धभंग में अवस्था में उसको अपने सामान बचाने के लिए आगे आना पड़ा है। वो महिला स्नान कर रही थी नहा रही थी ऐसे समय पर विद्युत मंडल के अधिकारियों के द्वारा उसके घर में जा घुसकर जब्ती की कार्रवाई की गई कुर्की कार्रवाई की गई निश्चित रूप से बेहद मध्यप्रदेश को कलंकित घटित करने वाली घटना है। जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि अभी भी चेत जाएं जिस तरह से गरीबों के साथ असहायों के साथ महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखते हुए कार्रवाई की जा रही है इस पर तुरंत रोक लेनी चाहिए।
और ये विद्युत मंडल के द्वारा जो कर्ज किया जा रहा है उसकी बस में होना चाहिए। मानी साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे संज्ञान में अभी रात्रि में सागर की घटना आई जिसमें कुछ कर्मचारियों ने एक महिला के घर से सामान उठाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरीके के वसूली के पक्ष में नहीं है, ना ही कोई ऐसे निर्देश हैं। जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने ये त्रुटि की है, उन चारों कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और वहां के ऐसी को नोटिस भी दिया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश भर में इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति करेगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश मेरे द्वारा जारी किया गया है और मैं इस पूरे प्रकरण में की निंदा करता हूं। संस्कृति ज्वेलर्स तीन बत्ती, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन, मूर्तियां एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता एवं निर्माता, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। पता है यूसुफ अली मार्केट, 3 बत्ती, सागर। हमारा नंबर है 9926435934, 8839190934।